गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, वेलकम टू ऑक्सफोर्ड मालवा एकेडमी। आज हम क्लास 11 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी का चैप्टर 4 में अगला मैटर समझेंगे, है ना। इसके पहले हमने बैंक के बारे में समझा था, अब बैंक के इम्पोर्टेंस के बारे में हम समझेंगे। इम्पोर्टेंस और रोल ऑफ बैंक इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब जो देश की आर्थिक व्यवस्था है, इकोनॉमिक से, उसमें बैंक क्या रोल निभाती है, या फिर उसके इम्पोर्टेंट क्या है, या उसके एडवांटेज क्या है। यदि देश के अंदर ज्यादा से ज्यादा बैंक रहेगी तो उसके क्या एडवांटेज मिलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एडवांटेज है सिक्योरिटी ऑफ वेल्थ, मतलब जो बैंक है वो धन की सुरक्षा करती है। बैंक जो है वो धन की क्या करती है, सुरक्षा करती है, क्योंकि बैंक के अंदर जब अपना पैसा डिपॉजिट रहता है तो उसका जो है कि चोरी होने का कोई डर नहीं रहता है। यदि हमने किसी व्यक्ति को उधार पेमेंट दे दिया, हो सकता है कि वो अपना पैसा डुबा जाए, खा जाए, है ना। तो इसलिए बैंक में डिपॉजिट किया जाता है पैसा, तो वहां पर जो हमारा धन जो रहता है वो क्या रहता है, सुरक्षित रहता है, है ना। उसके बाद क्या है, सेफ ट्रांसफर ऑफ मनी, मतलब जो पैसे का सुरक्षित हस्तांतरण होता है, ट्रांसफर हो जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, उसमें किसी भी प्रकार की कोई रिस्क नहीं रहती है, सेफ पेमेंट ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। मनी का ट्रांसफर जो होता है उससे सुरक्षित तरीके से हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वर्किंग अस एन एजेंट, मतलब ये जो बैंक एक एजेंट के रूप में कार्य करती है। हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में भी समझा था कि बैंक एक प्रकार से एजेंट के रूप में वर्क करती है। जो बिजनेसमैन होते हैं वो बैंक को ऑथोराइज कर देते हैं कि उनके जो एक्सपेंसेस है वो बैंक उनके खाते में से डिडक्ट करके वो एक्सपेंसेस पेड कर दे, ठीक है। तो ये एक प्रकार से कई प्रकार के एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेसमैन के, इलेक्ट्रिक बिल होता है, टेलीफोन बिल होता है, कोई फीस वगैरह होती है उनके बच्चों की, या फिर किसी भी प्रकार का पेमेंट करना होता है तो बैंक उसका पेमेंट कर देती है। तो एक प्रकार से एजेंट के रूप में भी कार्य करती है। नेक्स्ट पॉइंट है लॉकर फैसिलिटी, लॉकर फैसिलिटी देती है। इस लॉकर में हम अपने जो आभूषण वगैरह होते हैं या कोई मुख्य दस्तावेज होते हैं, पेपर होते हैं, इंपोर्टेंट पेपर होते हैं, उनको लॉकर में रख सकते हैं। बैंक के अंदर लॉकर फैसिलिटी होती है, वहां पर अपने इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह या फिर कोई आभूषण वगैरह, सोने चांदी के आभूषण वगैरह उस लॉकर में रख सकते हैं। तो बैंक लॉकर की भी फैसिलिटी देती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इनकरेजमेंट टू सेविंग, इनकरेजमेंट टू सेविंग। बैंक जो जमा राशि होती है, जो डिपॉजिट अमाउंट होती है, उस पर इंटरेस्ट भी देती है, ब्याज भी देती है, और एफडी भी करती है। एफडी पर ज्यादा इंटरेस्ट दिया जाता है, अपने पैसे की एफडी कर देती है, 5 साल की 3 साल की 10 साल की एफडी करती है, उस पर भी वो इंटरेस्ट देती है, ब्याज देती है, अपना पेमेंट जो बैंक के अंदर डिपॉजिट देता है उस पर बैंक इंटरेस्ट देती है। तो इससे क्या होता है कि लोगों के मन में सेविंग की आदत पड़ती है और वो अपनी जो सेविंग अपनी जो बचत होती है उसको बैंक के अंदर जमा कर देते हैं और पैसा बचाते हैं और बचाकर उसको बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, लोन फैसिलिटी, जो बैंक होती है लोन फैसिलिटी भी देती है, जो बिजनेसमैन होते हैं, जो इंडस्ट्रीज होती है व्यापार करने के लिए, बैंक उनको लोन भी देती है, करोड़ों रुपए का लोन देती है ताकि वो अपने बिजनेस में उस पेमेंट को लगाए ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ करे, है ना। इससे दोनों उसको उसकी भी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, बिजनेसमैन की भी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है और बैंक को भी लाभ होता है। बैंक उस पैसे का क्या करती है, जो बहुत सारे लोग अपने जो अपना पेमेंट अपनी सेविंग बैंक के अंदर डिपॉजिट करते हैं तो उससे बैंक को कुछ फायदा नहीं होता। बैंक उस पैसे को क्या करती है, लोन के रूप में डिवाइडेड कर देती है, है ना, लोन के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। जो बिजनेसमैन होते हैं, जो व्यापार करना चाहता है, मकान पर लोन देती है बैंक, गाड़ी पर लोन देती है, कोई कार वगैरह परचेस करना चाहता है उस पर भी लोन देती है, है ना। यदि मकान को बनाना चाहता है, जमीन खरीदना चाहता है उस पर भी लोन देती है, कोई बिजनेस डालना चाहता है उस पर भी लोन देती है। तो अपना जो पैसा होती है बैंक डिपॉजिट जो अमाउंट होती है उसको लोन के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है और उनसे उस लोन पर इंटरेस्ट लेती है, ये बैंक की इनकम होती है। उसके बाद क्या है, ये इम्पोर्टेंस है ना, तो ये इम्पोर्टेंस के डिटेल है बुक के अंदर आपको मिल जाएंगे, है ना। सिक्योरिटी ऑफ वेल्थ, सेफ ट्रांसफर ऑफ मनी, वर्किंग अस एन एजेंट, लोकल फैसिलिटी, इनकरेजमेंट टू सेविंग और लोन्स फैसिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट मैटर है आपका
मीनिंग ऑफ ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन मतलब एटीएम। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर टेलर मशीन मतलब स्वचालित मशीन, अपने आप चलती है। इसके बारे में आप जानते भी हैं और आपने इसका यूज भी किया है। बैंक एक कार्ड लेती है ना, और बैंक एक एटीएम ओपन करती है, खोलती है, उस एटीएम मशीन में उस एटीएम कार्ड को डालने के बाद जो पिन कोड होते हैं, जो कोड नंबर होते हैं वो डाला जाता है। फिर वो आपसे अकाउंट के प्रकार पूछता है। अकाउंट के प्रकार पूछने के बाद कौन सा अकाउंट है, करेंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है, उसको सिलेक्ट करने के बाद वो आपसे अमाउंट पूछता है कि आप कितनी अमाउंट विड्रॉ करना चाहते हैं। वो अमाउंट डालने के बाद आप जितनी भी आपने अमाउंट डाली है वो मशीन ऑटोमेटिक आपको पेमेंट कर देगी, कैश आपको दे देगी, है ना। तो इसलिए इसको ऑटोमेटिक टेलर मशीन कहा जाता है। स्वचालित स्वयं चलती है, इसको चलाने वाला कोई व्यक्ति नहीं होता है, अपने आप ये मशीन चलती है, इसलिए इसको स्वचालित मशीन कहा जाता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम। क्या होता है? दिस इज सरप्राइजिंग सर्विस ऑफ मॉडर्न बैंकिंग। मॉडर्न बैंकिंग की ये सरप्राइजिंग सर्विस है ना, एक चमत्कारी सर्विस होती है ये, है ना। बिफोर फ्यू इयर्स बैक, यदि आप कुछ वर्षों पीछे जाइए तो वी यूज्ड टू विथड्रॉ मनी अकॉर्डिंग टू टाइम एंड डेट। यदि आप ड्रॉ करना चाहते हैं, विड्रॉ करना चाहते हैं, है ना, वी यूज्ड टू विड्रॉ मनी अकॉर्डिंग टू टाइम एंड डेज, मतलब कुछ समय पहले, यदि कुछ वर्षों पहले यदि आप जाते हो तो पीछे जाते हो तो देखना पड़ता है कि बैंक के अंदर लाइन जो है कि लाइन लगानी पड़ती थी, टाइम पर जाना पड़ता था कि 11 बजे जो है कि टाइम जो बैंक ओपन होगी और वहां उसी दिन जाना पड़ेगा, है ना। कुछ छुट्टियां होती है, उस छुट्टी में आप बैंक में जा नहीं सकते, जैसे संडे है या कोई जो है कि गवर्नमेंट हॉलीडे होते हैं उसमें आप बैंक के अंदर नहीं जा सकते क्योंकि उस दिन बैंक क्या रहती है, क्लोज रहती है। टाइम और डे का ध्यान रखना पड़ता था, है ना। लेकिन अब क्या है, दे आर अवेलिंग सर्विस एट एनी टाइम, मतलब अब इस सर्विस से क्या लाभ होने लगा है कि किसी भी टाइम आप पेमेंट निकाल सकते हैं, चाहे 24 hours 24 घंटे 365 दिन कभी भी आप एटीएम में जा सकते हैं और कभी भी आप पेमेंट विड्रॉ कर सकते हैं एटीएम मशीन से। सो इट इज आल्सो कॉल्ड ऑल टाइम मनी, इसलिए इसको ऑल टाइम मनी भी कहा जाता है, ऑल टाइम मनी भी इसको कहा जाता है। तो ये इसका मीनिंग है एटीएम मशीन का, ठीक है। अब इसके एडवांटेज क्या है, इसके एडवांटेज क्या है, एटीएम प्रोवाइड्स 24 hours एंड 365 डेज सर्विस, मतलब ये जो सर्विस है 24 घंटे चालू रहती है और वर्ष के 365 दिन ही चालू रहती है, ठीक है। उसके बाद नो चार्जेस इज टेकन फॉर द यूज ऑफ एटीएम सर्विस, नो चार्जेस इज टेकन फॉर द यूज ऑफ एटीएम सर्विस, मतलब एटीएम में से पैसा निकालते हो आपको किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगता है, है ना। फ्री ट्रांजेक्शन, मंथ के फ्री ट्रांजेक्शन फ्री रहते हैं, उसके बाद यदि आप एटीएम में जाते हैं तो वो चार्ज लेता है, लेकिन फ्री ट्रांजेक्शन उसके क्या रहते हैं, फ्री रहते हैं। तो नो चार्जेस इज टेकन फॉर द यूज ऑफ एटीएम सर्विस, कोई भी चार्ज नहीं लगता एटीएम सर्विस में। एटीएम फैसिलिटी फ्री यूज फ्रॉम लाइन, एटीएम फैसिलिटी फ्री यूज फ्रॉम लाइन, मतलब इसमें इसका ये भी एक एडवांटेज है, एटीएम मशीन बैंक में जिस प्रकार से बैंक में जाते हैं तो लाइन में लगना पड़ता है, अब एटीएम में लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं रहती है, आप जल्द से जल्द एटीएम में जा सकते हैं, फास्ट जा सकते हैं, फास्ट अपने मनी विड्रॉ करके आ सकते हैं, उसमें लाइन लगने की आवश्यकता नहीं होती है। एटीएम प्रोवाइड्स यूज सिक्योरिटी इन रिस्क, जोखिम की सुरक्षा देती है, जोखिम की सुरक्षा देती है। अब मान लो कि किसी के पास कैश पेमेंट जेब में पड़ा हुआ है, रखा हुआ है, तो हो सकता है कि वो गिर जाए, गुम हो जाए, या फिर वो जेब में से कोई निकाल ले, चोरी हो जाए, लेकिन एटीएम में इस प्रकार का नहीं होता है। आप एटीएम जहां पर भी पैसे की आवश्यकता वहां से विड्रॉ करके अपने एक्सपेंसेस पे कर सकते हैं, उस पैसे का यूज कर सकते हैं। तो ये जोखिम जो रिस्क होती है उसको ये कम करता है, उससे ये सुरक्षा देता है। फिफ्थ वाला पॉइंट क्या है, एटीएम रिफरेंस यूज फ्रॉम द बाउंडेशन ऑफ
टाइम एंड डेस्क, मतलब ये जो सर्विस है एटीएम सर्विस ने टाइम और डेट की जो बाउंडेशन है उसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। अब किसी भी टाइम पर किसी भी डे पर एटीएम में जा सकते हैं और पेमेंट निकाल सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, तो ये इसके एडवांटेज है। इसके डिटेल आपको नहीं करने हैं, है ना, ये सिर्फ इसके पॉइंट आपको लर्न करने हैं। 2 मार्क्स में ये या 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन जो है कि इसमें आपको डिटेल सही लर्न करना है, इसके डिटेल आपको बुक के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।